क्या सुंदर है केड़ी का घाव का घाव कैसा आ गया। देखो ये ऐसा कीड़ा पड़ गया, थोड़ा दिन बाद ये नाराज रहती है, नाराज के बाद में इसका पाँव चलना फिरना कम हो जाती है, इसका बाद में इसका खुर पाँव टूट फूट जाता है। देखो ज़्यादा घाव बढ़ने से तो ये देखो क्या है, ये खुर निकल जाते हैं, ऐसे खुर निकल जाते हैं। हाँ भैया इनमें 5-7 भैंस नकर आ लाएगी तो एक या वो पानी में खड़ी, एक वो बाहर खड़ी, या पाड़ी के भी आ गई तो भैया, और एक पाड़ी या भैंस या बैठी या एक भी आएगी थी, और एक वहाँ बैठी वो आ गई, और एक पाड़ी या बैठी एक भी आ गई थी, एक तो मुंह में भी छालाबा अच्छा हुआ भैया, और यह भैंस का भी बहुत आ गई थी, एक भी खूब जोर से आई थी। हमारी भैंस बीमार हुई गई, मुंह में छाला आ गया, और 2 दिन तक तो इतनी सारी जीभ लटकाई दी उन्हें नीचे, अभी 2-3 दिन बाद या अभी अंदर जीभ करी, पर अभी भी चरी नहीं रही, वह शायद अच्छी नहीं चरी रही, छाला जाया सब पूरी जीबान सूजी गई थी। फिर ये भैंस आई क्या आई होटले होटले नौका इसी होगा, इतनी जाड़ी होगी अपने हथेड़े से जाड़ी, अरे ये बहुत कमजोर हो गई थी भैंस, कहीं खाना पीना कहीं भी नहीं, और अभी जरा वह मामूली पानी पिए गए, नहीं तो 6-7 जानवर ने गाई थी पर उनका बहुत कम, और ये का इतनी ज़्यादा है कि हाथ से ज़्यादा, ये लाल गिर रही है भैंस का, यह भी बहुत कम हो गई, नहीं तो इतनी गिरती थी कि जहाँ वो वहाँ इतनी लाल यहाँ से वही वही नहीं जाए, इतनी लाल ये का गिरती थी, और जबान पर रखा तो पच्ची वापस ले आओगे, कहीं पर बाटो अपनों रखाँगे वापस ले आओ, पर आगे नहीं जाए, कहीं जबान हालत नहीं होगी, बस बाहर रहेगी बाहर ही जाओ।